मौसम का मिजाज बदल गया, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी। हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। मीरपुर माथेरू में ओले बरस पड़े। शेखुपुरा, मियांवाली, जेहलम, सियालकोट, लाड़काना और सखर में बारिश। कराची में कानून नोटों के तकिए पर सो गया। थाना गडाब के पीछे मनशियात फरोशों की बस्तियां, जहर फरोशी घरेलू सरद की तरह फरोख पाने लगी। दुनिया न्यूज की खबर पर पुलिस हुकाम जाग गए, मरकजी मुलजिमा बेटे समेत गिरफ्तार। पंजाब के तालीमी इदारों में दाए समेत कलदम तंजीमें सराहियत करने लगी। सोशल मीडिया बड़ा हथियार बन गया, 261 तलबा को रागिब किए जाने का इंकशाफ। जासूस कुलभूषण के पास सजाए मौत चैलेंज करने का आखिरी दिन। पाकिस्तान की 6 हफ्तों में असर नौ समाअत की दरखास्त, एडहॉक जज भेजने का फैसला। मसला कश्मीर और आबी तनाज़ात भी उठाने पर गौर। आपके और आपके खानदान की मुल्क से बाहर कौन कौन सी बिजनेसेस हैं? क्या हिंदुस्तान में आपके अगर बिजनेस पार्टनर है, आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के, कौन है वो? जीआईटी को भी कहेंगे कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। कप्तान आलमी अदालत इंसाफ जाने पर बरहम। जीआईटी से शरीफ खानदान के असासों की तहकीकात का मुतालबा। सोशल मीडिया पर जमाबंदी की सूरत में एहतजाज का ऐलान। मुल्क में कंपनियों की हुकूमत है, इमरान खान का क्वेटा में खिताब। उधर थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हमारे पास है शरीफ खानदान की लिमिटेड कंपनी, जरदारी खानदान की कंपनी है, मौलाना फजल रहमान की उनकी भी भाइयों की फैमिली कंपनी है। ये कंपनियां अमीर होती जा रही हैं और कौम गरीब होती जा रही है। दुबई हुकूमत जो है उसकी मदद के बगैर एक आईजी जो है वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकता। जो पूरी तारीख में सिंध पुलिस की तारीख में ये मेरिट भर्तियां इससे पहले कभी नहीं हुई। आईजी सिंध और सुबाई हुकूमत की अनबन, एडी खाजा ने दबे लफ्जों में अपनी कारकर्दगी बता दी। कहते हैं हुकूमती मदद के बगैर पुलिस सरबरा अहदाफ हासिल नहीं कर सकता। रमजान के बाद बैतुल हमजा की तामीर का ऐलान। महाजर कौम को तकसीम करने की साजिशें नाकाम हो गईं। आफाक अहमद का कराची के इलाके मलीर में कारकुनों से खिताब। जिम की आड़ में गंदा धंधा, शेखुपुरा में लड़कों के मुबैना काबिले एतराज वीडियो बनाए जाने का इंकशाफ। आवाज उठाने पर बासर अफराद ब्लैकमेल करने लगे। दुनिया न्यूज की खबर पर 3 मुलजिम गिरफ्तार। पिंडी के थाना एयरपोर्ट के हदूद में कब्जा माफिया बेलगाम। सरकारी अस्पताल की जमीन प्लॉट बनाकर बेच दी गई। घर बनने पर इंतजामिया जाग गई, ऑपरेशन के जरिए मकान मसमार। घर बना बैठी मैं, 20-25 लाख रुपया लगा चुकी हूँ। आज मेरा गिरा रहे हैं घर में, किसी पास ही नहीं, नहीं। मैं भाई के घर में रह रही हूँ, अभी मेरी किसी तरफ जगह ही नहीं है, मैं किधर जाऊँ। कराची के चनेसरगोट में सरकारी डिस्पेंसरी की कुर्सी 20 रोज से खाली। डॉक्टर की रिटायरमेंट के बाद नई तायुनाती न हो सकी, अमले ने मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। मैं यानी कि नहीं देखती हूँ, देखती तो अफजल भाई हैं, मैं उन्हीं को बुलाने गई। अफजल वो अफजल साहब क्या है यहाँ? अफजल भाई डिस्पेंसर है हमारे। खैबर पख्तूनख्वा में 362 कारखाने बंद, 327 का खात्मा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बीमार सनअतें चलाने में नाकाम। कोशिश है कि जो हमारा कोहाट से और फाजल जो हमारी गैस है, हम उससे अब बिजली पैदा करें और वो बिजली हम सिर्फ इंडस्ट्रीज को दें। मैं तो कहता हूँ कि ये कहता है कि हम इंडस्ट्रीज को ला रहे हैं, तो ये तो इंडस्ट्रीज का कब्रिस्तान बन गया। जो पहले से इंडस्ट्रीज थे वो बंद हो गए। आज से खातून का राज, गजाला शरीफ लाहौर के थाना रंग महल में SHO तैनात। एतदाल पसंद हसन रूहानी या कदामत पसंद इब्राहिम रईसी, ईरान का सदर कौन होगा? कड़ा मुकाबला, पोलिंग खत्म। डोनाल्ड
ट्रंप का दौरा रियाज, अमरीकी सदर, सऊदी हुकाम और वजीर आजम नवाज शरीफ समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे।